हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना हलवा बर्फी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने आधा डजन केले लिए हैं पके हुए। सबसे पहले हम केले के छिलके निकाल लेंगे और एक मिक्सी का जार लेके केले के छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। मिक्सी में हमें पीस लेना है और स्मूथ सी प्यूरी बना लेनी है। अब हमने यहाँ पे बर्फी जमाने के लिए केक टिन लिया है और हमें ग्रीस कर लेना है और बटर पेपर लिया है। आप थाली में भी बर्फी जमा सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और हमें 2 चम्मच घी डाल दिया है और हमने पूरा घी 1/4 कप लिया है। हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अब हमें केले की प्यूरी ऐड कर देनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें लगातार चलाते रहना है। और 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। एक साइड हमारी प्यूरी पक रही है तो हम इधर चाशनी बना लेते हैं। हम गुड़ से बर्फी बना रहे हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे और 1 कप हमने गुड़ लिया है और 1/4 कप हमने पानी लिया है। अब हमें गुड़ की चाशनी बना लेनी है। और हमें चाशनी को गाढ़ी कर लेना है। अब हमने यहाँ पे केले की प्यूरी में चाशनी को ऐड कर दिया है और चलाते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और थोड़ा थोड़ा घी हम ऐड करेंगे। तो मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लगा है और कितना अच्छा कलर आया है। और हमने कोई कलर ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और थोड़े से हमने काजू को कट करके ऐड कर दिया है। बर्फी का मिक्सचर अब तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार होती है। अब हमें यहाँ पे केक टिन में डाल देना है और सेट कर लेना है। और हमने अच्छे से सेट कर लिया है और 1 घंटे के बाद में हमने निकाल लिया है। अब हमें कट कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।